फिर देख लिया राजनीतिक हालात के हरियाणा जी के, पहला बादल साहब को समझौते चुटाला साहब सागे 60-65 साल रहे हो बादल बहुत सागे, पिपली में रैली करी बादल साहब को कहेंगे माँ बाप फैसला ले लिया करी, अब हम अलग चुनाव लड़ेंगे हरियाणा में, श्रोमणी अकाली दल अलग चुनाव लड़ेगा अपनी तरफ से। चलो बहुत बहुत फैसला है, क्या करना है अपनों फैसला तो कि बादल साहब सागे बंद फैसलों बाद सोचने आगे कि समझौते करना है, समझौते तो मैं करेंगे नहीं मिले करेगा बीजेपी साहब करेगा, नहीं तो और कोई पार्टी जी सेटिंग बैठेगी वो बाद काम है अपनों काम है बने कट दिखाओ जोर लावे दबगे 17 तरीक ने इतने आ जाइए दबगे रैली तकड़ी कर दियो ठीक करा रैली तकड़ी कर दियो थे कभी जोटका गांव तो जब भी आऊँ अपने परिवार वर्ग लागे मैंने अपने काम घर को ही है जी तो सारा कोई डीजे देने लग रहा है माँ बाप देने लग रहे लेकिन थे तो बिल्कुल परिवार ही सौ सारा कुछ दिक्कत ही कोई मिले जब भी आऊँ थे हमेशा आशीर्वाद से लोग अपने जो पहला भी जब मर्जी जब हमें बुलाओ आते अंतर और बुला कभी कोई बात की दिक्कत कोई अब थे 17 दिन बाकी बात आज थी कि मैंने करूँगी और कोई अब बीजेपी को सागे बात चल रहे हैं पहले मायावती को समझो तो नैलो सागा और थोड़ा देर पहले वो भी टूट के सभी के हरियाणा का सारा बदल लाग रहा है राजकुमार सैनी सागा हो गए कांग्रेस में जाना भी और बाकी सारों की थे जानो सारों बढ़िया सिस्टम है आगे जी राज की बदला ही है नया सिस्टम मन लाग रहा था हरियाणा ऊपर भी इलेक्शन आ गया 2019 का सेंट्रल गवर्नमेंट का हो सके हरियाणा के भी इलेक्शन सामने हो जाए उसे तैयारी कर लो उससे मिलो सेवा करने के लिए खाली जरूर सेवा करो अगर फिर मुक्ति दे वो ही कहना वही फोको जो होगा वो थारा हाथ में देखते हैं सरपंच साहब हम जब भी जठे रहे हैं अब मैं थारा सारा एक ही को नाम लूँगा मैं जठे भी रहे हूँ थारा सागे फिर तो मेरा सहयोग ही है ठीक है अब हालात ही सब बढ़ जाए कई बार पर लेकिन अब हालात बढ़िया है देश का भी बढ़िया है सारा सिस्टम बढ़िया चलने लग रहा है थे रैली वाले दिन आ जाइए बाकी बात बाद में करेंगे बस स्टेज पर सारा कहना आऊँगा जब थे आ जाओगे नहीं हाँ थारा आया मेरो कद बढ़ा और मेरो कद बढ़ा तो थारो भी बढ़े मैंने हौसलों भी लगे थे आ जाओगे नहीं आओगे सर कितनी बसा कितनी भरेगा बाकी गाँव में बसा भरने लग रही हर गाँव में बस भरी है तो मैंने फिर सारा कहना सारा कहना साधन अपना है सारा लेकिन साधन पूजा को नहीं सही ठिकाने पर भी कारण है कि कठे चाह पीन लग जाए कि रिश्तेदार कने दोस्त कने मित्र कने इन्हें बिना चले जाए है कोई ना कोई काम होगा पूज जाऊंगा है तो इं गई सारा जाएगा सारा जगह बस में जाऊंगा ना तो मैं सारा कट्ठा जाएगा और कट्ठा जाएगा कट्ठे की बात बढ़े थे बड़े ना पूछोगे तो मेरे तो कल्याण हो जाएगा थे आ जाइए तकड़ा जरूर अब फिर कम लिखाई है तो आप वाली गाड़ियाँ ले आइए सारी गाड़ी मैं मेरे सारा कहना गाड़ी है पहले ने मैं सोचा हुआ तो गाड़ियाँ भरी हो फिर पहले तो आप नहीं चाहिए आ जाइए सारा कड़ा रास्ता में खड़े रहिए तो मैं बड़े ना पूछा तो मैं अंदाजा 400 आदमी आ जाओगा 300-400 आदमी आ जाओ 300 आ जाओगा चलो 300 चलो बस पास भेज दीजिए तो कोई बात नहीं चिंता क्यों करो तो बस ठीक है फिर मैंने क्या फिक्र है छह जानो थारो काम जाने भेज दूँ और पांच गाड़ी पांच बस भेज दूँ भेज देंगे जितनी कोई थी उतनी भेज देंगे ठीक है फिर कर लिए जोर लगा दियो थारो थोड़ा सा जोर लगा वो मेरे काम से ठीक है धन्यवाद थारो।